मलिया पड़ा रोहतास जिला में पड़ा और यहाँ से सासाराम लगभग 60 किलोमीटर पड़ी और बता दी बक्सर 50 किलोमीटर पड़ा और यहाँ से दिनारा भी लगभग कितना दिना पड़ा 50 किलोमीटर सॉरी दिनारा 22 किलोमीटर पड़ा। अभी देखा था जाके इन्हें बनता नहीं ओवर ब्रिज यहाँ जो कि बहुत अभी काफ़ी यहाँ ट्रैफिक के लगा जाम बाटे और गाड़ी के भी बहुत दिक्कत होता आवे जाए में यहाँ पर भी देखी जाए कितना जाम दिनों दिनों से लागू बाटे और दिनारा चल जाइए है नहीं सासाराम चल जाइए विक्रमगंज आई है नहीं बक्सर चल जाइए और जो बाटे यहाँ अभी जो बना था रोड वोड बहुत ज़्यादा ही भीड़ भाड़ बाटे अभी देखिए कितना काम तेजी से चल था कि आवे जाए में बहुत ज़्यादा अभी दिक्कत परेशानी होता है यहाँ के रोड में। और ये देखी जाए रोड बना था जवन वहाँ से ओवर ब्रिज बने जो उनके ओवर ब्रिज के पास जाते हुए ही आरा मोहनिया जो रोड है वो को ओवर ब्रिज बना था और बहुत ज़्यादा ही अभी जो यहाँ पर साउंड इतना बाट है कि बोलना पे भी सुनाई नहीं रहा सबके। अब हमने जाते हैं जा कुछ खाए पिए हम जा खाने समोसा खा के दुकान टेस्टी लागे बढ़िया वही चले बटे वही दुकान पर चले खाए तो जाते हैं जहाँ राजेश के पता हो हमने के तो पता नहीं किए खाने मिले बढ़िया समोसा के दुकान बटे चाट के तो जाते हैं जहाँ खाए मैंने लगा था घोनों दुकानों कन बाटे तो वही जम जा खाए ज़्यादा बीमार अब जाते हैं पता करे कि दुकान खुला बाकी जा देख क्या हो जा। अब हमने क्या भी बन गया होटल में मल्लिया बाग जो उनकी फेमस होटल बटे क्या नाम भैया होटल के नाम बता दो क्या नाम होटल भाई नाम बता दो तो आ जाते नाम बता दे अपना होटल का नाम होटल आई कौन जी मलिया बाग चौक पे बाटे पास में बाटे मलिया बाग के कौन ज्यादा दूरी पे और टीना रोड में पड़ा है और ये देखिए हाफ प्लेट अटे बहुत मजेदार बहुत चटकदार ये बनाते हैं छोला जो कि गांव जवार तक बहुत फेमस बाटे ना और जैसे अगर कहीं भी जाने जाए तो एक बार जोर रही वहाँ से नाश्ता कहिए कि सिंघाड़ा के चाहे छोला के खा के तभी देखी जाए ये कैसे प्लेट दिलवाने 25 के प्लेट बटे हाफ ना हाफ का नाम दुकान के नाम नाम ना बताइए आप घूंड घूंड छोला दुकान मिठाई दुकान ना छोला मिठाई समोसा मिलेगा। अब यहाँ से हमने नाश्ता करके जाएंगे फिर अपना घर एगो पास में ही एगो नदी बाटे वो नदी के पास में डैम बनल बाटे वहाँ के भी वीडियो थोड़ा रहुआ सबके देखा रहे वीडियो में वीडियो बाटे तो वो भी देखम जा स्किप मत करम जा छोके भागम जा मत और हमारा चैनल के सब्सक्राइब ना कोई हम जा तो सब सब्सक्राइब कर लेंगे जरूर याद से ठीक बा। तो चलिए अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलत हम सबके नदी के पास में डैम के साथ और देखिए ये डैम बाटे ये जो बनल बाटे पहले ना रहे अभी बनल बाटे लगभग साल भर हो गई बनल एक कैसे बनावल बाटे कि पानी जो बाटे पानी ना ठहरत रहे अभी क्या हो कि पानी जो ठहरी तो ये पानी की जो बाटे तो सिंचाई में किसान लोगों के यूज हो जाए ऐसे डैम यहाँ बनावल बाटे। और ये देखे जा रहे हो डैम भी दिखावल चाहते हैं रोहसिक वीडियो के माध्यम से जो उनकी पानी अभी नदी में बहुत कम बाटे अभी इस वक्त पानी बहुत कम रहला और यहाँ जब बरसात के दिन में आवेला तो काफ़ी जो दिखाई देते खाली रोहसिक जगह पूरा पानी पानी हो जाए जितना रोहसिक दिखाई देते जगह मतलब एक तरीके से लगे कि जैसे बड़ा नदी हो के गंगा नदी उस टाइप के हो जाला पानी से भर जाला। और छठ पूजा के टाइम में ही वहाँ छठ पूजा भी होखला जौन की बहुत सुंदर लगला यहाँ काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पर आवेलन छठ पूजा करे खातिन और बाजा वाजा भी बाजेला डीजे उजे भी चलेला यहाँ के और वह सबके दिखा दिए एक नदी जो बाटे ये आगे जाके कट के तरी कट के फिर तरी आगे सर में गंगा नदी जाके नदी गिर जाले और विशेष तौर वह सबके हम दिखाओ दिखा देते हैं बैक कैमरा से और देखे जाने के और लैका फीका भी सब जे भी बाटे अपना आसपास के ना के लोकल के आदमी वो घूमे वाला ने वीडियो देखे अपन शूट कर लैका और वह सब देखी जा लैका भी आज बरसन अपन फोटो वोटो खींचे खातिन जरा जो अपन सब फोटो भी खींचला वीडियो बनावला और काफ़ी यहाँ कुछ भी शूटिंग भी होते रहला है ना वो सब कहीं तो आई जो बाटे ये लोकेशन ही पड़ला रोहतास जिला में पड़ला एक बाद में आरा रोड में जाम जाइए मलिया बाग से 2 किलोमीटर दूरी पे तो परमडी पड़ला जौन कि वहाँ तक रोहतास जिला पड़ला बाद में बक्सर जिला चालू हो जाला।
ओकरा बाद में बक्सर जिला चालू जाए तो ओकरा बाद में हमने के जगह पड़ जला होने बक्सर आरा भोजपुर में पड़ जला। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलता नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।